आज हम लोग उड का प्रयोग पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ उड। विल का पास्ट टेंस उड होता है। उड का प्रयोग भूतकाल यानी पास्ट टेंस की आदत, इच्छा, संभावना तथा विनम्र निवेदन के लिए किया जाता है। उड के प्रयोग में हिंदी वाक्यों के अंत में किया करता था, किया करती थी, किया करते थे, चाहूँगा, चाहेंगे, करूँगा, लगेगा, लगेगी, ता रहा होता, ती रही होती, ते रहे होते आदि शब्द आते हैं। उड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इसका प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों ही कर्ता के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। जैसे वह बचपन में यहाँ खेला करता था, तो ही वुड प्ले हियर इन हीज चाइल्डहुड। वह आज रात मैं यहाँ रुकना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू स्टे हियर टू नाइट। कभी कभी मेरे पिताजी मुझसे क्रोधित हो जाते थे। समटाइम्स मतलब कभी कभी, माई फादर वुड गेट एंगरी विथ मी। शनिवार को सोहन अपने गांव भाग जाता था। ऑन सैटरडे शनिवार को सोहन वुड रन अवे टू हिज विलेज। शनिवार को सोहन अपने गांव भाग जाता था। वह वहां शाम को जाया करता था। ही वुड गो देयर इन द इवनिंग। वह बैठ जाया करता था और दिन भर सपना देखा करता था। तो बनाएंगे ही वुड सीट, वह बैठ जाया करता था, और एंड ड्रीम ऑल डे, और पूरा दिन सपना देखा करता था। गांधी जी रोज सुबह सूत काटते थे। गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग। स्पिन मैंने सूत काटना। किसी भी मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इसमें भी वुड का प्रयोग करेंगे। आई वुड स्टैंड बाई यू, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। इन एनी ट्रबल किसी भी मुश्किल में, क्या आप मेरी मदद करेंगे। वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी। वह देखने में प्रेजेंट लग रहा है, लेकिन ऐसे वाक्यों का अनुवाद वुड के प्रयोग से करेंगे। और कुछ विद्वानों का मानना है कि वुड यू के साथ प्लीज शब्द भी प्रयोग किया जाना बेहतर होगा। जैसे वुड यू प्लीज हेल्प मी, वह उनके पिता होंगे। अब यहाँ भी वुड का प्रयोग करेंगे। ही वुड बी हिज फादर, वह उनके पिता होंगे। वह वापस आ रहा होगा। ही वुड बी कमिंग बैक, मैं तुम्हारी मदद करना चाहूँगा। आई वुड लाइक
टू हेल्प यू। वह उसके घर जाना चाहेगा। ही वुड लाइक टू गो टू हर होम। मुन्नू घर जाना चाहेगा। मुन्नू वुड लाइक टू गो टू हाउस।